नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रितु शिवपुरी जी की सभी फिल्मों के बारे में। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों रितु जी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1993 में आई फिल्म आंखें से करी थी और दोस्तों इस फिल्म की लागत थी मात्र 1,96,00,000 की और इस फिल्म ने अपने भारत से 25,25,00,000 की ताबड़तोड़ कमाई करी। और दोस्तों रितु जी की पहली फिल्म ही बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद साल 1995 में इनकी दूसरी फिल्म आई थी हम सब चोर हैं। फिल्म की लागत थी दोस्तों 1,75,00,000 की और कमाई थी इसने 2,85,00,000 और यह फ्लॉप रही। इसी साल इनकी दूसरी फिल्म आई रॉक डांसर। फिल्म की लागत थी 1,50,00,000 की, कमाई हुई थी इसकी 1,28,00,000 और दोस्तों यह डिजास्टर रही। अगली फिल्म आई इनकी साल 1997 में आर या पार। फिल्म की लागत थी 3,50,00,000 की और कमाई की इसने 6,50,00,000 और दोस्तों यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी फिल्म आई थी भाई भाई और लागत थी 1,75,00,000, कमाई इसने 3,78,00,000 की और यह बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसके बाद रितु जी की फिल्म आई थी डोंगा टा जो कि एक तेलुगु फिल्म थी और यह बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई थी। अगली फिल्म आई इनकी साल 1999 में न्यायदाता। लागत थी फिल्म की दोस्तों 75,00,000 की, कमाई इसने मात्र 30,00,000 और यह डिजास्टर रही। इसके बाद आई थी काला साम्राज्य और लागत थी फिल्म की 3,00,000 की और इसने कमाई मात्र 1,75,00,000 और यह भी डिजास्टर रही। इसके बाद साल 2000 में रितु जी की फिल्म आई थी हद कर दी आपने और लागत थी फिल्म की दोस्तों 8,00,000 की। फिल्म ने दुनिया भर से कमाई थी 20,07,00,000 की और यह अबव एवरेज रही। इसके बाद आई ग्लैमर गर्ल और लागत थी इसकी 45,00,000 की और फिल्म ने कमाई थी मात्र 2,50,000 की और यह डिजास्टर हुई थी। अगली फिल्म आई रितु जी की साल 2001 में लज्जा और लागत थी फिल्म की दोस्तों 22,00,000 की और फिल्म ने कमाई थी दोस्तों 34,29,00,000 की और इसे बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दी गई थी। अगली फिल्म आई इनकी साल 2002 में शक्ति और 10,00,000 की लागत से बनी इस फिल्म ने कमाई थी 20,37,00,000 की और यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसके बाद 2005 में इनकी फिल्म आती है ऐलान और लागत थी फिल्म की 15,00,000 लेकिन कमाई इसने मात्र 12,94,00,000 की और यह डिजास्टर हुई थी। इसी साल ही इनकी फिल्म आई थी दुबई रिटर्न। इसके बाद साल 2006 में इनकी फिल्म आई एक जिंद एक जान और दोस्तों यह एक पंजाबी फिल्म थी। तो दोस्तों यह था रितु जी का अब तक का फिल्मी सफर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दे ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों खत्म, बाय बाय, टाटा।